इस वीडियो में मैं एक व्यूअर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। यहाँ एक व्यूअर ने पूछा है कि उनके 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं और उनको सिल्वर प्ले बटन कब मिलेगा। काश इसका जवाब आसान होता। खैर, फिर भी मैं कोशिश करूंगी जवाब देने की। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। सिल्वर प्ले बटन के लिए क्वालिफाई करना हो तो आपके यूट्यूब चैनल पर मिनिमम 1 लाख या 100,000 सब्सक्राइबर्स कम से कम होने चाहिए। अब ये नेसेसरी है पर सफिशिएंट नहीं है, मतलब ये जरूरी है लेकिन काफी नहीं है। अब इसका क्या मतलब, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अब मैं आपको 2 ऐसे क्रिएटर्स के एग्जांपल्स दूंगी जिनके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे और जिनको सिल्वर प्ले बटन फिर भी नहीं मिला। फिर उन्होंने यूट्यूब को लिखा और यूट्यूब ने उनको जवाब भी दिया कि आखिर उनको सिल्वर प्ले बटन क्यों नहीं दिया गया है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है पिल्सबरी ट्रो बॉय। ये देखिए, इन्होंने ट्विटर पर लिखा है, आई डोंट हैव एनी कॉपीराइट और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स, माई सब काउंट इज लेजिटिमेट एंड एज फार एज आई नो आई हैव बीन इन गुड स्टैंडिंग, येट यूट्यूब स्टिल रिफ्यूजेस टू सेंड मी माई 100K प्लाक। अब देखिए, यूट्यूब ने यहाँ पर जवाब दिया है और वो बोल रहे हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर द लॉन्ग डिले इन सर्कलिंग बैक टू यू, अपॉन रिव्यू वीव डिटर्मिंड दैट योर चैनल इज इन एलिजिबल टू रिडीम क्रिएटर अवार्ड्स बेस्ड ऑन आर करंट अवार्ड्स क्राइटेरिया। यानी कि इन्होंने जो इनका चैनल है उसको रिव्यू किया और इन्होंने कहा है कि ये चैनल इन एलिजिबल है, यानी कि क्वालिफाई नहीं करता। अब जो क्राइटेरिया है उसमें आप देख सकते हैं कि आपका कोई कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, आपके जो सब्सक्राइबर काउंट है वो लेजिटिमेट होना चाहिए और आपका अकाउंट गुड स्टैंडिंग में भी होना चाहिए। लेकिन इसके आगे ये कह रहे हैं, ये कुछ बता नहीं सकते। एक और है यहाँ पर कैवॉस, उन्होंने भी सेम स्क्रीनशॉट दिया है। और ये एक और तीसरा मुझे ट्विटर पर मिला जहाँ पर ये कीम है, इन्होंने एक लिंक दिया है, क्रिएटर अवार्ड्स आर बेनिफिट्स दैट क्रिएटर्स कैन अप्लाई फॉर व्हेन दे रीच 100K और 1 मिल सब्सक्राइबर्स। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि सारे क्रिएटर जो अप्लाई करते हैं उनको अवार्ड नहीं मिलता, पर ये आर्बिट्ररी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब अपने मन से डिसाइड कर लेता है। और यहाँ पर अवार्ड का जो क्राइटेरिया है उसके लिए एक लिंक भी दिया हुआ है। चलिए हम इस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, एक पेज खुल जाता है youtube.com/yt/creators/awards। अब यहाँ पर अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर आता है वी कीप इट ऑनेस्ट। यहाँ देखिए, यूट्यूब साफ साफ कह रहा है कि अवार्ड सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के डिस्क्रिशन पर मिलते हैं। यूट्यूब सिर्फ उन्हीं क्रिएटर्स को अवार्ड देता है जिन्होंने रूल्स नहीं तोड़े। अवार्ड देने से पहले हर चैनल रिव्यू किया जाता है ताकि ये रूल्स सबके लिए सेम हो और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अब जाहिर सी बात है कि आपके चैनल पर ना कॉपीराइट स्ट्राइक्स होने चाहिए, ना कम्युनिटी गाइडलाइंस और ना ही कोई वायलेशन, और ना ही आपने गलत तरीके से सब्सक्राइबर्स बढ़ाए होने चाहिए। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो लास्ट 3 वर्ड्स हैं वो हैं अमंग अदर क्राइटेरिया, मतलब और भी क्राइटेरिया हैं, सिर्फ यही नहीं है। जिस व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था उनका चैनल मैंने देखा लेकिन यहाँ तो एक भी वीडियो नहीं है, शायद इनका कोई और चैनल भी होगा। अगर लिंक देते तो ज्यादा स्पेसिफिक रीजन बता सकती थी। बट इन जनरल जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उनके लिए एडवाइस यही है कि यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करिए, व्यूज पाने के लालच में गलत कंटेंट मत बनाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ट्रिक्स मत अपनाइए, आपको ये महंगा पड़ सकता है। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए हमारे चैनल पर 70 से भी ज्यादा वीडियोस हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके यूट्यूब चैनल खोलना और उसे चलाना सीख सकते हैं और उससे पैसे भी कमा सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को उन सब के साथ शेयर करिए जो इससे फायदा उठा सकते हैं।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशंस लगातार पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता। थैंक यू। धन्यवाद।